On my neck gold money, rain couplet, not check. You have some money, love dick, yes, shining, parulam of money. On my neck gold money, rain couplet, not तो गाइस काफी दिनों से आप लोग कमेंट कर रहे थे कि भाई शॉर्ट पर कुछ कंटेंट लेकर आओ, और एक भाई ने तो मुझे इंस्टा पर डीएम करके भी कहा था भाई जो क्रिकेट के ऐसे शॉर्ट वीडियो थे वो कैसे बनते हैं, इसमें जो सेक इफेक्ट लगा होता है वो कैसे लगता है, और जो आई में लाइट इफेक्ट लगा हुआ है वो कैसे लगाया जाता है। सो गाइस इस वीडियो में मैं आपको पूरी एडिटिंग ट्रिक बताने वाला हूं, कैसे आप लाइट इफेक्ट लगा सकते हो, कैसे आप सेक इफेक्ट लगा सकते हो। साथ साथ इस वीडियो के लिए इन्फॉर्मेशन कहां से लाओगे, इमेज कहां से लाओगे, इसके पीछे जो म्यूजिक लगा हुआ है वो कहां से लाओगे, वो भी मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूं। और आपको मालूम ही होगा जो शॉर्ट वीडियो होती है वो लॉन्ग वीडियो की तुलना में ज्यादा वायरल होती है, तो आप इस वीडियो के माध्यम से शॉर्ट वीडियो बनाना सीख सकते हो और इसे यूट्यूब अपलोड करके पैसे भी अर्न कर सकते हो। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस तरह की वीडियो को बनाने के लिए सबसे पहले आपको इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी, तो इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए आपको सबसे पहले आ जाना है गूगल पर। गूगल में आने के बाद जो भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए सिंपली उसको लिख कर आपको सर्च कर लेना है। यहाँ पर मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए कि आईपीएल के एक सीजन में सबसे ज्यादा रन किसने मारे हैं, तो मैंने यहाँ पर मोस्ट रन इन वन आईपीएल सीजन लिखकर सर्च कर लिया है। सर्च कर लेने के बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर सामने आ जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं कि आप बैट्समैन के नाम, मैचेस, इनिंग्स के साथ मुझे इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है, और नीचे में लिखा हुआ है व्यू 47 मोर रोज। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सारे इन्फॉर्मेशन मुझे मिल गए हैं, फर्स्ट नंबर पर कौन है और टॉप 50 बैट्समैन के नाम मुझे मिल चुके हैं। बट मुझे शॉर्ट्स बनाना है इसलिए मुझे टॉप 5 बैट्समैन का ही काम है, इसलिए आपको टॉप 5 बैट्समैन के नाम एंड उसके जो भी इन्फॉर्मेशन है वो आपको कलेक्ट करके कॉपी में लिख लेना है। देन उसके बाद आपको इन टॉप 5 बैट्समैन की इमेजेस को भी डाउनलोड कर लेना है। देन इमेजेस को डाउनलोड करने के लिए आपको आ जाना है इमेज सर्च ऐप पर, यह ऐप आपको प्ले स्टोर पर आसानी से मिल जाएगा। देन यहाँ पर जो सर्च बॉक्स है उस सर्च बॉक्स में आपको प्लेयर का नाम लिखकर सर्च कर लेना है, एंड प्लेयर के नेम के एंड में आपको HD इमेज लिख लेना है, जिसके बाद रिजल्ट में जो आपको इमेज दिखेंगी वो HD क्वालिटी में आपके पास आएंगी। इसके बाद इनमें से आप एक इमेज को सिलेक्ट कर लीजिए जो कि आपको अच्छा लग रहा है। तो इस इमेज को सिलेक्ट करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा, स्क्रॉल करके आप नीचे आइएगा तो 3 बटन आपको दिख जाएंगे। तो सबसे जो स्टार्टिंग वाला बटन है वही डाउनलोड वाला बटन है, तो आपको उस पर क्लिक कर लेना है। तो इस वाले बटन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपका जो ये इमेज है आसानी से डाउनलोड हो जाएगा। इमेजेस को डाउनलोड कर लेने के बाद आपको कैपकट ऐप को ओपन कर लेना है। इस ऐप का लिंक मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दूंगा, मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ साथ यदि आप टेलीग्राम पर भी जाकर मेरे चैनल का नाम आप सर्च करोगे इंडियन टेक बाबू, तो भी आपको मेरा चैनल जो है यहाँ पर मिल जाएगा। यहाँ पर आप जो देख सकते हैं ऊपर में जो इंडियन टेक बाबू लिखा हुआ है वही हमारा जो है टेलीग्राम चैनल है, यहीं पर आपको कैपकट का लिंक भी यहाँ पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा, तो इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। तो चलो वापस आते हैं हम लोग अपने कैपकट ऐप पर। मैं सजेस्ट करूंगा कि इस ऐप को यूज करने से पहले आप अपने मोबाइल में एक VPN को इंस्टॉल कर लेना। VPN को यूज कर लेने से आपको सारे इफेक्ट्स आसानी से प्रोवाइड हो जाएंगे। VPN ना यूज करने से आपको नेटवर्क एरर का प्रॉब्लम शो हो सकता है। सो VPN को इनेबल कर लेना और कैपकट में आकर जो न्यू प्रोजेक्ट लिखा हुआ है ऊपर में स्टार्टिंग में उस पर क्लिक कर लेना। उसके बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। ऊपर में वीडियोज और फोटोज दो ऑप्शन दिए गए हैं, तो हमें फोटोज पर क्लिक कर लेना है। फोटोज पर क्लिक कर लेने के बाद हमारे गैलरी के जो फोटोज है वो शो करने लग जाएंगे। उसके बाद आपको सीरियल नंबर से टॉप 5 प्लेयर्स की इमेज को सिलेक्ट कर लेना है। इमेज को सिलेक्ट कर लेने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखेगा। उसके बाद आप सबसे नीचे देखेंगे तो आपको कुछ ऑप्शन शो हो रहे होंगे, वहाँ पर एक रेशियो का ऑप्शन होगा, तो रेशियो पर क्लिक कर लेना और 9:16 का जो रेशियो है उसको सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद फोटो को कुछ इस प्रकार से सिलेक्ट कर लेना और जूम करके स्क्रीन में अच्छी तरह से फिल कर देना। वैसा ही आपको सभी फोटोज के साथ करना है। सभी फोटोज को जूम कर लेने के बाद आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में आ जाना है। फिर फोटोज को सिलेक्ट करने पर नीचे में आपको कुछ आइकन दिखेंगे, स्टाइल वाले आइकन पर क्लिक कर लेना। यहाँ पर आपको काफी सारे एनिमेशन स्टाइल दिखेंगे। इस तरह के वीडियो के लिए बेस्ट एनिमेशन होगा 3D जूम प्रो। थोड़ा सा स्लाइड करने पर आपको 3D जूम प्रो वाला एनिमेशन मिल जाएगा, तो सिलेक्ट कर लेना। स्टाइल को सिलेक्ट करने के बाद इसे जनरेट होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट थोड़ी देर में ये जनरेट हो जाएगा। अब आप देख पा रहे कि कितना अच्छा लुक दे रहा है। तो अब हमें जो स्टार्टिंग के जो 4 फोटोज हैं उनमें सेम एनिमेशन लगा लेना है। एनिमेशन लगा लेने के बाद हमारा जो वीडियो है कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। सभी प्लेयर्स बिल्कुल 3D में जूम करते हुए दिखाई देंगे। स्टार्टिंग के 4 फोटो में 3D जूम प्रो वाला जो स्टाइल है वही आपको लगाना है, बट लास्ट वाला जो फोटो है उसमें एनिमेशन लगाना है वो मैं आपको भी बताता हूँ। तो लास्ट फोटो को सिलेक्ट करके स्टाइल वाले आइकन पर क्लिक कर लेना। इसके लिए दो बेस्ट एनिमेशन आते हैं, कैमरा बॉन्स एंड कैमरा सेक, तो दोनों को ट्राई कर लेना, जो भी बेस्ट लगे उसे यूज कर लेना। मैं यहाँ पर कैमरा सेक को यूज कर रहा हूँ। वीडियो के एंड होने पर कैमरा सेक इफेक्ट आपके वीडियो को काफी अच्छा लुक देगा। वीडियो में जो इफेक्ट एंड एनिमेशन का जो वर्क था वो अभी कंप्लीट हुआ है, बट वीरा म्यूजिक का मजा कहाँ आने वाला है। तो बिल्कुल स्टार्टिंग में आकर नीचे जो म्यूजिक का ऑप्शन है उसको क्लिक कर लेना। यहाँ थोड़ा 3-4 सेकंड का टाइम लगेगा। उसके बाद आपके गैलरी में जो भी वीडियो होगी वो शो होगी, और नीचे में एक टिकटॉक आइकन बना होगा और बगल में उसके फाइल का आइकन बना होगा, तो आपको फाइल वाले आइकन पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद नीचे में योर साउंड लिखकर दो बॉक्स बने हुए थे, सेकंड वाला बॉक्स को क्लिक कर लेना। वहाँ पर वो सभी साउंड शो होंगे जो आपके फाइल में सेव होंगे। इसके लिए जो वेस्ट म्यूजिक है जो मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर
प्रोवाइड करा दूंगा कैपकट ऐप के नीचे, उसका नेम मैं क्रिकेट शॉर्ट म्यूजिक कर दूंगा जिससे कि आपको पहचानने में आसानी हो। तो उसी म्यूजिक को आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना। म्यूजिक को सिलेक्ट करने के बाद इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा, तो कहीं पर भी आप टैप कर देना तो ये हट जाएगा। मैं इसे प्ले करता हूँ। तो आप देख पा रहे हैं कि म्यूजिक लगने के बाद कितना अच्छा लग रहा है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो म्यूजिक का लेंथ है वो काफी बड़ा है, बट फोटो का ड्यूरेशन थोड़ा कम है। तो यदि आप चाहें तो आप यहाँ पर एक और फोटो का यूज कर सकते हैं। तो वीडियो को बिल्कुल स्टार्टिंग में आ जाएंगे और प्लस वाला जो आइकन है उस पर क्लिक कर लेंगे और एक फोटो को यहाँ पर ऐड करेंगे एक इंट्रो के रूप में। तो एक फोटो मैंने डाउनलोड किया था इमेज सर्च ऐप से ही, आईपीएल फोटो लिखा था तो मुझे ये फोटो मिल चुका था। तो इस फोटो को हम स्टार्टिंग में ऐड कर लेंगे इंट्रो के लिए एंड इस फोटो को भी जूम करके स्टाइल में 3D जूम प्रो वाला एनिमेशन लगा लेंगे एंड लास्ट में भी हम एक और फोटो को ऐड करेंगे। विराट कोहली ने सबसे ज्यादा रन मारे हैं तो विराट कोहली की एक और अलग फोटो जो कि सीधी इमेज होगी वो हम ऐड करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने फोटोज को ऐड कर दिया बट एंडिंग में एक डिफॉल्ट एंडिंग दिया हुआ है कैपकट की तरफ से एक ब्लैक पार्ट में, तो इसको डिलीट कर लेना। उसके बाद जो लास्ट वाला फोटो है उसके स्टार्टिंग में आ जाएंगे और उसको सिलेक्ट नहीं करेंगे। यहाँ पर नीचे में इफेक्ट का ऑप्शन होगा तो उस पर क्लिक कर लेंगे और बॉडी इफेक्ट जो बीच में लिखा हुआ है बॉडी इफेक्ट्स पर क्लिक कर लेंगे। जिसके बाद कुछ हेडिंग्स आ जाते हैं ट्रेंडिंग एंड सुपर पावर्स करके, तो सुपर पावर्स वाले हेडिंग पर हम लोग क्लिक कर लेंगे। तो काफी सारे इफेक्ट्स है इसमें, एक आई लाइटनिंग इफेक्ट मिल जाएगा आपको नीचे में, तो आई लाइटनिंग पर आप क्लिक कर लेना। आईज पर कुछ इस प्रकार का लाइट इफेक्ट लग जाएगा जो दिखने में काफी अच्छा लगेगा। और ये जो लास्ट वाला फोटो इसमें अगर आप चाहें तो कोई स्टाइल एनिमेशन लगाना चाहते तो लगा सकते, तो वैसे ही फोटो सिलेक्ट कर लेना और स्टाइल पर क्लिक करके स्टाइल वाला जो एनिमेशन आता है 3D जूम प्रो या फिर कोई और एनिमेशन जो लगाना चाहते हो आप लगा लेना। तो मैं यहाँ पर 3D जूम प्रो को यूज कर रहा हूँ, तो अच्छा लगेगा तो मैं इसे रहने दूंगा, नहीं अच्छा लगेगा तो मैं इसे हटा दूंगा। बट 3D जूम प्रो वाला एनिमेशन इसमें अच्छा लग रहा था। तो अब बारी इस वीडियो में कुछ टेक्स्ट को ऐड करने की। तो जहां पर से भी हमें टेक्स्ट ऐड करना है वहां पर आ जाएंगे और नीचे टेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और सबसे आगे जो ऐड टेक्स्ट ऑप्शन है ए प्लस करके उसको क्लिक कर लेंगे। उसके बाद ऊपर में हमें टेक्स्ट टाइप करने का एक ऑप्शन मिल जाता है, तो वहां पर से आप टेक्स्ट को टाइप कर सकते हैं। जो भी हमारा टाइटल है कि मोस्ट रन्स इन वन आईपीएल सीजन, तो उसे हम यहां पर टाइप कर लेते हैं। यहाँ पर हमने ये टाइटल टाइप कर लिया है, उसके बाद इसमें कुछ कलर चेंज करना पड़ेगा हमें। तो यहाँ पर पहले मैं पोजीशन कर लेता हूँ इसे नीचे में थोड़ा। तो पोजीशन करने के बाद नीचे में स्टाइल का एक ऑप्शन आ जाता है डबल ए करके, तो उस पर क्लिक कर लूंगा। और स्टाइल पर क्लिक करने के बाद आपको काफी सारे फॉन्ट यहाँ पर मिल जाते हैं, तो जो भी फॉन्ट आपको पसंद आता है उसको सिलेक्ट कर लेना। तो मैं यहाँ पर गैम्बल एक फॉन्ट है नीचे में, तो उसको सिलेक्ट कर रहा हूँ। फॉन्ट के बगल में स्टाइल का हेडिंग है जहां से आप कलर को चेंज कर सकते हो, तो जो भी कलर पसंद आता है आप यहाँ से चूज कर लेना। वहां पर आपको नीचे एक साइज का भी ऑप्शन मिलता है, तो वहां से आप चाहो तो टेक्स्ट का साइज घटा या बढ़ा सकते हो, तो वहां से अपने साइज को भी एडजस्ट कर लेना। स्टाइल के बगल में आपको एक इफेक्ट का भी ऑप्शन मिल जाता है, तो वहां से आप चाहे तो अपने टेक्स्ट पर इफेक्ट लगा सकते हैं। मैंने एक ऑरेंज वाला जो इफेक्ट है वो यहाँ पर से ट्राई किया, तो अलग अलग टेक्स्ट इफेक्ट यहाँ पर मिल जाएंगे, तो जो भी अच्छा लगता है आपको वो ट्राई कर लेना। और इफेक्ट्स के बगल में आपको एक एनिमेशन का भी ऑप्शन मिल जाता है, तो यदि आप अपने टेक्स्ट पर कोई एनिमेशन लगाना चाहते हैं तो यहाँ पर से आप लगा सकते हैं। काफी अलग अलग एनिमेशन आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। तो प्ले करने पर आप देख सकते हैं जो हमारा टेक्स्ट है वो किस प्रकार से एनिमेट होता हुआ नजर आ रहा है। तो आगे हम इसी प्रकार से और भी टेक्स्ट को ऐड करेंगे। तो यहाँ पर क्रिस गेल की जो फोटो थी, तो जो इन्होंने जितने रन मारे हैं वो हमें टेक्स्ट में ऐड करना है। तो ऊपर में आप देख सकते हैं जो कि टेक्स्ट वाला था वहां पर कॉलम, वहां पर हमने 733 रन यहाँ पर लिख दिए हैं। इस टेक्स्ट का फॉन्ट मैं वही रखूंगा बट कलर एंड इफेक्ट्स आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। बट इस टेक्स्ट पर मैं कोई भी एनिमेशन यूज नहीं कर रहा हूँ, आप चाहो तो यूज कर सकते हो। तो इस तरह से आपको सभी प्लेयर के फोटो के आगे इस तरह से रन या फिर जो भी स्टैट्स आप दिखाना चाहते हो वो आप लिख सकते हो। और यदि आप चाहो तो प्लेयर के स्टैट्स के साथ प्लेयर का नाम भी आप ऐड कर सकते हो उसी तरीके से। तो जहां पर आपने 733 रन लिखे हैं उसी के नीचे आप एक और टेक्स्ट को ऐड कर सकते हो और वहां टेक्स्ट में आप क्रिस गेल जो कि प्लेयर का नाम है वो ऐड कर सकते हो और इसका कलर आप चेंज कर सकते हो। तो आप चाहो तो यूज कर सकते हो, नहीं तो यूनिवर्स वॉस को कौन नहीं जानता। तो मैं यहाँ पर सभी प्लेयर्स का नाम यहाँ पर ऐड नहीं करूंगा, डायरेक्ट ही बनाऊंगा स्टैट्स के साथ। सभी प्लेयर्स के जो मोस्ट रन के स्टैट्स थे वो मैंने टेक्स्ट के रूप में ऐड कर दिए हैं एंड इस पर इफेक्ट्स एंड कलर का भी यूज कर लिया इसे। तो चलो इसे प्ले करके देखते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारा वीडियो कंप्लीट हो गया और काफी अच्छा लग रहा है। तो अब बारी है इसे एक्सपोर्ट करने की। तो ऊपर जो 720p लिखा है उस पर जाकर क्वालिटी को चेंज कर लेना और क्वालिटी जो बीच वाला लिखा है उसको थोड़ा सा बढ़ा देना। उसके बाद उसके बगल में एक्सपोर्ट वाला बटन होगा तो उस पर क्लिक कर लेना। क्लिक करते ही थोड़ी देर में ये एक्सपोर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा और थोड़ी देर में ये एक्सपोर्ट होकर गैलरी में सेव हो जाएगा। सो गाइस, आपने इस वीडियो से कुछ भी नया सीखा हो तो वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।